जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो। चलिए बढ़ते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबर की ओर। झांसी जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में हैडपंप से पानी भरने पर दबंगों ने दलित परिवार पर कहर बरसाया है। हैडपंप से पानी भरने पर उसके साथ न केवल लाठी डंडों से मारपीट की गई, बल्कि जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग करते हुए अपमानित किया गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्यवाही करते हुए घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। झांसी जिले के प्रेमनगर थाना अंतर्गत ग्राम सैयर में रहने वाले दलित युवक उदय सिंह का परिवार गांव में लगे हैडपंप से पानी भरने गया था। आरोप है कि जब उक्त परिवार पानी भर रहा था, तभी वहां दबंगों ने उन्हें हैडपंप से पानी भरने से रोका, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की। इतना ही नहीं, उन पर लाठी डंडों से हमला करते हुए मारपीट की, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी करते हुए घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद उदय सिंह की शिकायत पर आरोपी मोनू यादव, सोनू यादव, अर्जुन यादव, रमेश यादव, राम बाबू यादव, प्रमोद यादव, कालीचरण, श्रीमती उषा यादव, हल्की यादव समेत 9 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कार्यवाही की। घटना की जानकारी देते हुए झांसी SSP ने बताया है कि उक्त मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। हमलावर शीघ्र ही गिरफ्तार होंगे। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। सर, मारपीट में क्या मामला, कितने लोग पकड़े? कुछ दिन पहले जो प्रेमनगर थाना क्षेत्र में सैयर गांव, वहां पे एक दलित पक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया है कि गांव के रहने वाले दबंग यादव पक्ष उनको नल पे पानी भरने नहीं देते हैं, जाति सूचक शब्दों से गाली देते हैं और मारपीट किए हैं और फिरौती में 10,000 रुपये मांगे। इसी क्रम में थाना प्रेमनगर के द्वारा FIR दर्ज कर लिया गया है तत्काल, और अलग अलग टीम गठित करके 3 नामजद अभियुक्तों को पकड़े गए, जिसमें टोटल 9 अभियुक्त हैं। 3 जो पकड़े गए उनके नाम है रमेश पुत्र स्वर्गीय ब्रजबान यादव, प्रमोद पुत्र जगदीश यादव, सोनू पुत्र कालीचरण यादव, निवासी सैयर के हैं। जो 6 लोग और बचे हुए उसमें से 2 महिला भी शामिल हैं, इसमें अर्जुन यादव, रामबाबू यादव, मोनू यादव, कालीचरण यादव, उषा वाइफ ऑफ कालीचरण और हल्की डॉटर ऑफ कालीचरण, ये फरार हैं। इनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मौखिक साक्ष्य के अनुसार जो है इनके साथ घटना होना, जो मारपीट जो हुई है, उसके आधार पर इनका मेडिकल भी हुआ है, मेडिकल के आधार पर धाराएं भी बढ़ाए गए हैं। फिलहाल जो है वहाँ गांव में भी सुरक्षा पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं। माहौल बिल्कुल शांति है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताएं। और बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।